और ये प्रशासन ने और नीति सरकार ने अच्छा नहीं लगता है कि टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो उनकी कमियों को गिना रहा है, इसलिए उनको टारगेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूँ आपके साथ शिवम। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के सचिवालय थाना के बाहर और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर चिराग पासवान के कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो सचिवालय थाना के बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से आज चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार बचाओ यात्रा की शुरुआत पटना के JP गोलम्बर से राजभवन तक ये इस मार्च को जाना था, पर पटना पुलिस ने इस मार्च को पटना के हड़ताली मोड़ पर ही रोक दिया, जिसके बाद पटना पुलिस ने बल का प्रयोग किया, लाठी चार्ज की, वाटर कैनन का प्रयोग किया, जिसके बाद चिराग पासवान को पटना के सचिवालय थाना ने हिरासत में ले लिया है। ऐसे में आपको बता दें कि चिराग पासवान की माँ रीना पासवान भी अभी सचिवालय थाना पहुँची हैं, आप तस्वीर में देख सकती हैं। और साफ तौर पर चिराग पासवान की माँ रीना पासवान का कहना है कि नीतीश कुमार की प्रशासन ने मेरे बेटे को जबरन गिरफ्तार किया है। क्या कुछ कह रही है रीना पासवान, पहले आप वो सुने। और ये प्रशासन ने और नीति सरकार ने अच्छा नहीं। मैम आपको भी रोका जा रहा था लगातार? जी हम, मुझे भी नहीं आने दिया जा रहा था, बहुत मुश्किल से मुझे, ये सब मेरे दामाद हैं, इन्होंने सब करके किसी तरह। लगता है कि टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो उनकी कमियों को गिना रहा है, इसलिए उनको। तो आपने साफ तौर पे सुना चिराग पासवान की मां रीना पासवान का कहना है कि नीतीश कुमार की पुलिस और प्रशासन ने जबरन मेरे बेटे चिराग पासवान को गिरफ्तार किया है। उन्होंने एक अच्छे अभियान की शुरुआत की थी जिसका समर्थन बिहार की तमाम जनता कर रही थी। ऐसे में चिराग पासवान की मां ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। ऐसे में आप तस्वीर में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में सचिवालय थाना के बाहर जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता नेता हैं वो मौजूद हैं और चिराग पासवान को पटना के सचिवालय थाना में हिरासत में लिया गया है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से चिराग पासवान ने आज पटना के JP गोलम्बर से राजभवन तक या मार्च निकाला गया था, आपको बता दें कि शराबबंदी कानून हो या बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था या फिर शिक्षा और रोजगार के मामले को लेकर चिराग पासवान ने इस यात्रा की शुरुआत की थी। ऐसे में पटना पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां बरसाई उनके कार्यकर्ताओं और चिराग पासवान पर भी वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, जिसके बाद चिराग पासवान को पटना के सचिवालय थाना ने गिरफ्तार कर लिया है। पैच है, पटना के सचिवालय थाना ने हिरासत में ले लिया है, जहां पर चिराग पासवान की मां रीना पासवान भी पहुंची हैं और उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। अब देखना होगा कि क्या चिराग पासवान के हिरासत में लेने के बाद उन पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।